हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो ये वीडियो कमजोर स्टूडेंटों के लिए है जो 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, क्योंकि कमजोर बच्चों को डर लगता है, गुरुजी मैं पास होऊंगा कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, घर वाले मुझसे क्या कहेंगे। तो बहुत सारी जो चीजें हैं उसके जो दिमाग है उसको जकड़ लेती है और वो नए नए चीजों को सोचने लगता है, जिससे कि वो डीमोटिवेट होकर पढ़ाई को छोड़ देता है या एग्जाम में वो फेल हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं को हम एक ही वीडियो में दूर कर देंगे। आप वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए 10th क्लास के स्टूडेंट वीडियो को जरूर से देखें। कमजोर छात्र भी ला सकते हैं 80% मार्क्स में, गारंटी देता हूं आप बिल्कुल ला सकते हो। इसमें कोई भी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि आप कहो गुरुजी इसमें कोई ट्रिक वगैरह लगाओगे आप जिससे कि हमारे नंबर आएंगे, कुछ भी ट्रिक नहीं है बच्चों में, सीधा सा फंडा है। आप पूरा देखना वीडियो को लास्ट तक। मैथ में जादुई मंत्र नहीं है बच्चों, बहुत सारी वीडियो देखी होगी आपने, तुक्के लगाना सीखा होगा, ये कोई जादुई वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक सही और सही डायरेक्शन में एक वीडियो है। आप इसको देखोगे पूरा तभी आप समझ पाओगे कि मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। बस एक सीधा सा रास्ता है। क्या है? एक सीधा सा रास्ता है, कुछ और झमेला नहीं है। देखिए तो मंत्र जो क्या है आपका, पहला मंत्र जो क्या है, सुनना ध्यान से, पहला मंत्र बता रहा हूं। मंत्र जादू ही नहीं है, मंत्र जरूर लेकिन जादू ही नहीं है, कोई मैं तुक्का वगैरह बता रहा हूं आपको, सुनना। पहला तो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करें। बहुत अच्छा सवाल होता है बच्चों के सामने कि गुरुजी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ कैसे डील करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कैसे करें। तो सुनिएगा बच्चा ध्यान से, आपकी जो मैथ की जो बुक है, मैथ की जो बुक है हर चैप्टर के पीछे, हर चैप्टर के पीछे जो विविध है आपकी चैप्टर, विविध प्रश्न वाली है, और जो आपके एक्सरसाइज में है जैसे 1.1 हो गई, 3.2 हो गई, एक्सरसाइज में पीछे जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, बिल्कुल उन्हीं को पढ़ के जाना। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनता है और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनता। हर एक चैप्टर की विविध जो प्रश्न वाली है उसके जो पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, ध्यान से पढ़कर जाना है, उसी में से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आगे सुनिए, पेपर में किन बातों का ध्यान रखें। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन होता है हर बच्चे के सामने कि गुरुजी हम जब पेपर देने के लिए जाए तो हम किन बातों को ध्यान रखें। मैं अलग से इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें फुल डिटेल से आपको बताऊंगा कि आपको पेपर देने से पहले और पेपर देने तक बाद में आपको क्या क्या चीजें करनी है। फिलहाल मैं थोड़ा बताता हूं कि पेपर में किन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चा आप हमेशा याद रखना, पेपर जब भी आप पेपर देने के लिए जाओ तो आप पेपर प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ना, कहीं गलती ना हो जाए कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए। आप उन्हीं क्वेश्चनों को पहले करना जो क्वेश्चन आपसे आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, किन प्रश्न वालियों में ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। सभी बच्चे सोचते हैं कि गुरुजी रात रात में ना गैस पेपर मिल जाए हमें, मां कसम कल तो हम आग लगा देंगे पेपर में, है ना, सोचते हो ना तुम, कहीं ना कहीं से पेपर आ जाए हमारे पास जिसे हम गैस पेपर कहते हैं। रात में ना गैस पेपर आता है बच्चों, बहुत सारे पास आया भी होगा जिसमें से कुछ भी नहीं आता सुबह सुबह, है ना, होता है ना ऐसा, हम रात भर रट्टा मारते हैं उसी में और उसमें से कुछ भी नहीं आता, है ना। तो गैस पेपर मिल जाए गुरुजी मजा आ जाए। तो बच्चा गैस पेपर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं जो बिल्कुल सीधा है, जिसमें कोई ही झंझटबाजी है ही नहीं। सुनिएगा आप ध्यान से, देखो आपको ना मैथ में क्या क्या पढ़ना है ध्यान से सुनिए। आपको ना एक भागफल विधि होती है, आपने ना भागफल विधि पढ़ी होगी ऐसे वाली, एक्स क्यू प्लस में 4x² x+1 का भाग दे रहे। बच्चा दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, छाप के रखना, दो नंबर का मैं पहले बता रहा हूं, दो नंबर का आएगा ही आएगा। भागफल विधि ना ढंग से कर लेना, नहीं आती ना तो चैनल पर जाना भी मेरे पे, वहां मैंने करवा रखी है, ठीक है, पूरी वीडियो मिल जाएगी आपको भागफल विधि की, ठीक है। विलोपन विधि आनी चाहिए, प्रतिस्थापन विधि जानते हो बच्चों, आनी चाहिए। और बच्चों देखो ग्राफ तो आपको सभी को पता है 3 से 4 नंबर का आता है ग्राफ एग्जाम में, 3 से 4 नंबर का ग्राफ बिल्कुल आसान होता है। अगली वीडियो आपको मैं ग्राफ की दे दूंगा कि ग्राफ आपको कैसे बनाना है एग्जाम में, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। द्विघात समीकरण के आपको गुणनखंड करने आने चाहिए, द्विघात समीकरण के आप गुणनखंड कैसे करोगे,
ठीक है। एक आपको टॉपिक पढ़ना है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने चैप्टर वाइज डाल रखे हैं, कुछ चैप्टर के मैंने डाल दिए, कुछ चैप्टर के भी डाल दूंगा, तो आप जाइए और आनंद लीजिए भरपूर समांतर श्रेणी। जैसे कि एन पद निकालने का इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं, नो टेंशन, आप जाइए और देखिए। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें आपको दूरी सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीन नंबर का सवाल आएगा बड़ा, और दूरी सूत्र पे एक नंबर का क्वेश्चन आएगा 101% करके जाना, जादुई मंत्र नहीं है, ठीक है, सीधा रास्ता बता रहा हूं। निर्देशांक ज्यामिति के मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो डाल रखी है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए। त्रिकोणमिति में मानों की जो सारणी है, जो टेबल है, साइन 30 का मान, कोस 45, साइन 45, ऐसे जो मान होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा के सारे मानों की जो टेबल है ना आपकी, उसको याद कर लेना। यदि टेबल याद नहीं होती तो वीडियो है, जाइए और वीडियो देखिए, ठीक है, वीडियो मिल जाएगी आपको। आगे देखिए जो रचना वाला चैप्टर है, जो रचना वाला चैप्टर, उसको ना आप ढंग से कर लेना, रचना जो बनती है प्रकार से, पेंसिल से, है ना, स्केल से, वो वाला। और बच्चों देखो प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता बहुत ही आसान चैप्टर है, 4 से 5 नंबर का चैप्टर है, आप इसको बिल्कुल करिएगा, इसमें से बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसको आप आराम से सोल्व कर दोगे। सांख्यिकी माध्य बहुलक है ना, ये है ना माध्य, माध्यिकी, माध्यिका, बहुलक, इनको आप ढंग से कर लेना, बिल्कुल आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। घनाभ घन, इसका आप आयतन कर लेना, और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और होता है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको भी कर लेना, 2 नंबर का सवाल ना एग्जाम में पक्का मिलेगा आपको, टेंशन ना लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसे होता है ना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, लघु त्रिज्यखंड का है, ऐसे दीर्घ त्रिज्यखंड का होता है ना, तो ऐसे आपको इस सारे के साथ जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में आपको बताया है ना, ये सारे टॉपिक बिल्कुल आसान है और अच्छे नंबरों के आते हैं एग्जाम में, जिनसे आप आराम से 80% मार्क्स 10th क्लास में ला सकते हो, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। तो आप सभी बच्चों से हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो ला रहा हूँ, आप देखिए वीडियो को। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको एक सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर करने में आपका एक भी रुपया नहीं लगता, सिर्फ आप करोगे तो मुझे अंदर से मोटिवेशनल मिलेगा और मैं आपके लिए और बेहतरीन बेहतरीन और जबरदस्त वीडियो लेकर आऊंगा, जो आपको एग्जाम 2023 में मदद करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।